अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एम डी कैट ईटा और नम्स की डेट्स के वाले से आपसे अपडेट शेयर करेंगे। और एक आपसे उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि काफ़ी स्टूडेंट्स गूगल पर सर्च कर रहे होते हैं कि एम डी कैट डेट, नम्स डेट, तो ऐसे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आप नहीं जाते, बल्कि अनऑफिशियल वेबसाइट पे जो फेक पोस्ट करती हैं उन पर आप चले जाते हैं और कोई डेट देख लेते हैं, फिर कहते हैं सर ये डेट इस वेबसाइट पर आ रही है। वेबसाइट वो देखें जो ऑफिशियल हो, यूएचएस की वेबसाइट पे या नम्स की वेबसाइट पे या ईटा की वेबसाइट पे एक सिलेबस आया वो ऑफिशियल था, तो ये चीज़ें ऑफिशियल होती हैं। बाकी जितनी भी वेबसाइट्स पर डेट कोई डेट आती है वो सारी चीज़ें फेक होती है। वो अपनी वेबसाइट पर लाने के लिए स्टूडेंट्स को एक डेट मैंशन कर देते हैं जिससे स्टूडेंट्स समझते हैं कि इस डेट को एंटी टेस्ट कंडक्ट होने जा रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ईटा के हवाले से डिस्कस करेंगे। ईटा के हवाले से पहले न्यूज़ आ रही थी कि ईटा जो है 12 सितंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, लेकिन वो काफ़ी करीब थी डेट्स, तो फेक लगी और वो फेक ही थी 12 सितंबर वाली डेट, और 12 सितंबर को ईटा नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट र्यूमर आया कि 20 सितंबर को ईटा होने जा रहा है, और ये भी समझा जा रहा था कि ये फेक डेट है, अभी ऐसी कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट नहीं हुई। तो उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये ईटा के सिलेबस का फर्स्ट पेज है जिसपे पैटर्न वगैरह अनाउंस किया गया, ये ऑफिशियल वेबसाइट पर ईटा की आया है। और ये पिछली वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था कि वही सेम पैटर्न है, 2019 वाला 200 टोटल एमसीक्यूज, 80 जो हैं उसके बायोलॉजी के, 60 केमिस्ट्री, 40 फिजिक्स और 20 इंग्लिश, तो ये सारा वही पैटर्न है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 2 आवर्स 30 मिनट जो है टाइम है, तो ये 2019 वाला सारा पैटर्न है, ये ईटा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया। तो ईटा के हवाले से ही डेट की बात चल रही थी कि 20 सितंबर को ईटा कंडक्ट होने जा रहा है, और उसी का जो है सिलेबस जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया, जो कि एक इशारा है कि ईटा जो है जल्द कंडक्ट होने जा रहा है, और 20 सितंबर वाली बात जो है अब दुरुस्त लग रही है। तो ईटा वाले तमाम स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा आप फोकस करें, प्रिपरेशन बहुत अच्छी करें, आपके ज़्यादा चांसेस अब यही हैं कि ईटा 20 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। तो इस वाले से कंफर्म जो है 20 अगस्त तक अगर कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ओपन होती है, कोई स्केड्यूल वगैरह अनाउंस होता है या एडवर्टाइजमेंट कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से आती है तो वो इस चैनल पर भी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर 20 अगस्त तक नहीं आती इसके अराउंड अबाउट तो फिर जो है ईटा 20 सितंबर को नहीं होगा, मजीद जो है डिले हो जाएगा। तो इसके बाद नम्स के इसके एम डी कैट जो है उसके वाले से डिस्कस करें। तो ये जो पोस्ट आप देख रहे हैं ये डॉक्टर अब्दुल बासित की पोस्ट है, जो UHSVC के आपने पिछले सारे इंटरव्यूज देखे जिसमें उन्होंने डिफरेंट मेरिट फार्मूला के वाले से कभी डिस्कस किया, कभी डेट्स के वाले से डिस्कस किया, कभी ऑनलाइन के वाले से डिस्कस किया, तो वो सारे इंटरव्यू डॉक्टर अब्दुल बासित लेते रहे हैं, तो ये आपको मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा। तो इनकी पोस्ट जो है ऑथेंटिक होती हैं, और UHS के VC ने जो डेट्स आपको बताई थी वो थी अक्टूबर के 2nd-3rd week में, और उन्होंने कहा था नवंबर में भी हो सकता है। तो अब ये जो पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट, इसमें डॉक्टर अब्दुल बासी ने पोस्ट की है कि पंजाब गवर्नमेंट डिसाइडेड टू कंडक्ट MD CAT सून। अब इसका ये मतलब, ये पोस्ट जो है इनकी काफ़ी जो है ऑथेंटिक होती है, इन्हें जब कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तब ये पोस्ट वगैरह करते हैं। इससे पहले PMC रिजेक्टेड बाय सेनेट, ये इस तरह की पोस्ट उनकी की थी, और वो PMDC की जो फेसबुक पेज पर भी वो पोस्ट आई हुई थी, तो ये ऑथेंटिक इनकी पोस्ट लग रही है, इन्हें कोई न्यूज़ मिली होगी जो इन्होंने पोस्ट किया। तो अब इस सून का क्या मतलब है कि आज सितंबर में MD CAT भी कंडक्ट होने जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। UHSVC ने आपको बताया कि अक्टूबर से पहले MD CAT नहीं होगा, और इस सून से आप ये कर सकते हैं कि जो पहले UHSVC ने कहा कि 2nd-3rd week और नवंबर में भी जा सकता है, तो अब सून से यही मतलब है कि जल्द होने जा रहा है, तो अक्टूबर के 2nd-3rd week में आपका MD CAT होगा, और इसके वाले से आप तैयारी रखें, ज़्यादा चांसेस अब यही नज़र आ रहा है कि जो MD CAT है वो अक्टूबर के 2nd-3rd week में होगा, नवंबर में अब नहीं जाएगा। इसके बाद नम्स के वाले से बात करें तो नम्स में तमाम स्टूडेंट्स तमाम सूबों के अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इंडिविजुअली ईटा वाले, KPKM वाले अप्लाई कर सकते हैं, पंजाब वाले पंजाब MD CAT में, UHS MD CAT, सिंध वाले सिंध MD CAT, तो जो नम्स है उसमें तमाम स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तमाम पाकिस्तान के स्टूडेंट्स। तो उसकी डेट्स के वाले से बात करें तो इस हिस्ट्री में 2016 से नम्स स्टार्ट हुआ, तो उस वक्त से नम्स जो है आफ्टर MD CAT, UHS MD CAT, पंजाब MD CAT के बाद होता रहा, और अभी तक जो है UHS MD CAT से पहले नहीं हुआ। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है कि नम्स MD CAT जो है UHS MD CAT के बाद ही होगा, और UHS MD CAT एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 2nd-3rd week में, और नम्स जो है अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में होगा। तो इस हवाले से नेक्स्ट कोई अपडेट आपसे शेयर की जाएगी। और इन शॉर्ट जो अभी आपको बताया, ईटा जो है सितंबर, और जो MD CAT है वो अक्टूबर, और नम्स जो है नवंबर, ये एक्सपेक्टेड मंथ्स हैं। इस हवाले से नेक्स्ट कोई भी अपडेट आएगी इस चैनल पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर
करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लाजमी प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट अपडेट्स के नोटिफिकेशन आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।